सालों से हम इनको वोट देते आए हैं, इतने सालों से हमने इनको चुनकर दिया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे दीगर पार्टियां हो, एक सेकुलरिज्म के नाम पे जिन्होंने हमको यहाँ पर एक वोट बैंक बनाकर रखा है, सिर्फ हमसे वोट लेते हैं, चुनकर आते हैं, फिर ये सहूलतें हमको फराहम क्यों नहीं होती, ये सोचने की जरूरत है। इसीलिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके बीच में आई। जैसे मैंने आपको बताया तो मैं जिस शहर से आता हूँ उस शहर में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने एक इत्तेहाद का सबूत दिया है। मेरे खाइद ने यह सोचा है कि इसी तरीके से हर जगह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जाएगी, एक इत्तेहाद पैदा करेगी, आवाम के बीच में जाएगी, आवाम के बीच में से आप ही के नुमाइंदों को चुना जाएगा, वो आपकी कयादत करेंगे, वो आपकी नुमाइंदगी करेंगे और आपके मसले मसाइल को हल कर देंगे। मेरे साथियों, अब मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक नहीं बनना है, हमको अपनी कयादत करनी है, हमको अपने बीच में से नुमाइंदगी, हमारे अपने नुमाइंदगी चुन के देना है। यहाँ गुजरात में चाहे भारतीय जनता पार्टी होती थी या तो कांग्रेस पार्टी होती थी, और जिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को हम चुनकर देते थे, हमने कई शहरों में देखा है वो चुनकर आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर उनका मेयर और उनको सत्ता में लेकर आते थे। अब हमको अपनी पार्टी मिल गई है, हमारे पास में आज ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हमको क्या कैश करना है। मेरे साथियों, एक मजबूत क़यादत हमारे बीच में है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो आज पूरे मुल्क में चाहे जुल्म ज्यादती हो, मुसलमानों के खिलाफ ज्यादतियां हो, दलितों और पिछड़ों के खिलाफ हो, नाइंसाफी हो, हमारे खिलाफ कानून बनाया जाए, उन सब के खिलाफ अगर किसी की आवाज उठती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज। मेरे साथियों, ये सोचने की जरूरत है उस लोकसभा के अंदर जहाँ पे 540 पार्लियामेंट के मेंबर हुआ करते हैं, जहां कांग्रेस कई सालों तक इख्तदार में रही, कई सालों तक इस मुल्क में उन्होंने हुकूमत की, फिर आज हमारे खिलाफ जो कानून बनते हैं, हमारे खिलाफ जो प्रोपोगंडे तैयार होते हैं, उसके खिलाफ उनकी आवाज क्यों नहीं उठती। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अब हमको वोट बैंक नहीं बनना है, हमको सिर्फ वोट देने वाला नहीं बनना है, हमको नुमाइंदगी करने वाला बनना है, हमको अपने बीच में से अपने जो है तो कायदीन को जो है तो खड़ा करना है। मेरे साथियों, ये कांग्रेस मुसलसल सत्ता में रहने के बाद में आज वो अगर अपोजिशन में है तो अपोजिशन का रोल वो निभा रही है, मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं निभा रही है। अगर अपोजिशन में अगर खिलाफ हुकूमत के प्रोपोगंडा और कानून के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज उठती है, जो पूरे मुल्क में हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, शहर शहर घूम रहे हैं और एक इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कायद को हमको ताकत देनी चाहिए। आज जो उम्मीदवार उन्होंने आपके बीच में दिए है, एक नौजवान उम्मीदवार आपके बीच में यहाँ पर है, मैं समझता हूँ मोहम्मद फहीम साहब और मोहम्मद साहिब साहब, ये दो उम्मीदवार आपके बीच में है, एक नौजवान एक नई नुमाइंदगी आपकी कर सके, आपकी आवाज बन सके, ऐसे नुमाइंदगी आपके बीच में उन्होंने दी है। उन्हें कामयाब करना हमारा भी फर्ज होता है कि जो खयादत अगर पूरे मुल्क में हमारे लिए अगर लड़ रही है, हमारे लिए आवाज उठा रही है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उन्होंने जो यहाँ पर ये नुमाइंदे दिए, इनको हमको ताकत देनी चाहिए, इनको हमको कामयाब करना चाहिए कि ये ताकत आज से म्युनिसिपल कारपोरेशन तक ना रहे, म्युनिसिपल कारपोरेशन में जाने के बाद में जब हमारे हुकूक की आवाज उठाएंगे, हमारे तकलीफों के लिए आवाज उठाएंगे, हमारे परेशानियों के लिए आवाज उठाएंगे, तो इतने मजबूत आवाज उनकी होगी कि उनकी आवाज को देखते आने वाले चाहे असेंबली इलेक्शन हो चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, इनके अंदर भी हमको जो है तो नुमाइंदगी भेजने की जो है तो यहाँ से मौका मिलेगा। यही अपील करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन